गोलियों से छलनी दीवारें जिनके निशान आज भी चीख रहे हैं, मौत का वो कुआं जिसमें जान बचाने के लिए जो लोग कूदे वो फिर जिंदा नहीं लौट सके। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसी खौफनाक दास्तां जो न कभी किसी ने सुनी न पहले कभी हुई होगी। पंजाब के जलियांवाला बाग कांड का इतिहास इतना बर्बर है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी जो वहां जाता है सहम जाता है। उस वक्त का मंजर सोचकर भी उसकी रूह कांप जाती है। इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्क बिशप जस्टिन वेल्बी मंगलवार को जब पंजाब के जलियांवाला बाग स्मारक पहुंचे तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों के काले इतिहास पर अंग्रेज बिशप इतने शर्मिंदा हो गए कि ईश्वर से माफी मांगते हुए स्मारक के सामने ही लेट गए। दरअसल आर्क बिशप वेल्बी पिछले 10 दिनों से भारत की यात्रा पर हैं। मंगलवार को वो जलियांवाला बाग स्मारक पहुंचे जहां 1919 में हुए नरसंहार के लिए उन्होंने माफी मांगी। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जमीन पर लेट गए और बार बार इस घटना पर दुखी होते दिखाई दिए। आर्क बिशप ने कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन ईश्वर की तरफ से बोल सकता हूँ। मैं धर्मगुरु होने के नाते इस नरसंहार पर माफी मांगता हूँ। इसके बाद आर्क बिशप ने यहाँ की विजिटर बुक में भी अपना दुख प्रकट किया और लिखा कि इस जगह पर 100 साल पहले जो अत्याचार हुए वो बेहद शर्मसार कर देने वाले हैं। मैं शहीदों के रिश्तेदारों और उनके वंशजों के लिए प्रार्थना करता हूँ, साथ ही इस बात के लिए भी भारत के उम्दा लोगों के साथ हमारे संबंध बेहतर हों। लेकिन ये प्रार्थना मुझे ये भी बताती है कि हमें इतिहास से सीखना होगा, अपने भीतर की नफरत को समाप्त करना होगा, वैश्विक शांति के लिए काम करना होगा। आर्क बिशप से पहले ब्रिटेन की पीएम रही थेरेसा मे ने भी जलियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे होने पर इस घटना पर दुख जताया था। आर्क बिशप से जब पूछा गया कि क्या वो ब्रिटिश सरकार से इस पर औपचारिक माफी मांगने के लिए कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो लगता है मैं उसे इंग्लैंड में प्रसारित करूंगा। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर यहां निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई थीं। इस गोलीबारी में करीब 1200 लोग मारे गए थे, इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।